अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 9th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम इस कोर्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि सीएसएस है। फर्स्ट पार्ट एचटीएमएल हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है पिछले लेक्चर्स में। आज हम सीएसएस को देखेंगे कि सीएसएस क्या है। सीएसएस बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं और इसकी 3 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। ये क्यों यूज़ होती हैं? किसी भी वेब पेज की लेआउट को डिफाइन करने के लिए हम सीएसएस को यूज़ करते हैं। लेआउट से मुराद ये है कि प्लेसमेंट, बटन की प्लेसमेंट, इस बटन को कहाँ पर लगाना है, कोई इमेज है उसको कहाँ पर रखना है, क्या चीज़ लेफ्ट साइड पे आएगी, क्या हेडर पे आएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, ठीक है, इसके लिए हम सीएसएस को यूज़ करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने गूगल पर लिखना है सीएसएस और W3 स्कूल की जो वेबसाइट है उस पर चले जाना है। यहाँ पे आएगी बटी CSS, जहाँ से CSS शुरू हो रहा है यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे नीचे आपके पास CSS डेमो 1 HTML पेज है मल्टीपल स्टाइल्स, इस पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक सैम्पल होम पेज है जिस पर लिखा हुआ वेलकम टू माई होम पेज, यूज़ द मेन्यू टू सेलेक्ट डिफरेंट स्टाइल शीट्स, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, दिस इज द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ हाउ डिफरेंट स्टाइल शीट्स कैन चेंज द लेआउट ऑफ योर एचटीएमएल पेज। और ये मेन्यू आपको जिसमें लिखा हुआ स्टाइल शीट 1, 2, 3, 4 9 स्टाइल शीट, ठीक है। तो अब अपने स्टाइल शीट 1 है तो देखें यहाँ पे आपके पास ये स्टाइल है, इस पेज का ये लेआउट है। आप स्टाइल शीट 2 पे क्लिक करें तो एकदम देखें डिफरेंट लेआउट आ गया, कलर भी चेंज हो गया है। पहले मेन्यू आपके पास लेफ्ट साइड पे था, अब मेन्यू राइट साइड पे आ गया है और लेकिन टेक्स्ट वही है, दिस इज द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ हाउ डिफरेंट स्टाइल शीट्स कैन चेंज, ठीक है। टेक्स्ट वही है लेकिन एकदम लेआउट डिफरेंट हो गया है, कलर भी डिफरेंट हो गए हैं, प्लेसमेंट भी डिफरेंट हो गया है। अब अगर आप स्टाइल शीट 3 पे क्लिक करें, अब आप देखें एकदम लेआउट डिफरेंट हो गया है, ठीक है। मेन्यू यहाँ पर चला गया है, हॉरिजॉन्टल हो गया है, लेकिन टेक्स्ट वही है, यानी चीज़ें वही हैं लेकिन आपके जो पेज के ऊपर डिफरेंट आइकन्स हैं या डिफरेंट आइटम्स हैं उनकी प्लेसमेंट चेंज हो गई है। मेन्यू आपके पास ऊपर आ गया है, हेडिंग का स्टाइल चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। इसी तरह स्टाइल शीट 4 पे क्लिक करते हैं। अब आपने क्लिक किया 4 पे तो अब आप देखें फिर से आपके पास स्टाइल डिफरेंट हो गया है। तो इसका मतलब CSS हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, CSS का पर्पज़ क्या है? CSS का पर्पज़ जो वेब पेज है उसके स्टाइल को मेनटेन करना है, उसके स्टाइल को डिफाइन करना है, उसके लेआउट को डिफाइन करना है। अब हम 4 पे क्लिक करते हैं नो स्टाइल शीट, यानी अब नो स्टाइल शीट सेलेक्ट किया तो ये बिल्कुल बेसिक एचटीएमएल पेज है जिसके अंदर कोई भी आपने अभी सीएसएस अप्लाई नहीं की हुई, ठीक है। यानी कि विदाउट सीएसएस अगर आपने सिंपल एचटीएमएल पेज जो अभी तक हम करते हैं विदाउट सीएसएस, अभी तक हम सिर्फ एचटीएमएल सीखते हैं, तो अगर आपने सिंपल प्लेन एचटीएमएल यूज़ किया तो आपको इस तरह का पेज नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर कुछ सीएसएस अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे स्टाइल शीट 1 अप्लाई करेंगे तो एकदम पेज की लेआउट लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो सीएसएस का बेसिक पर्पज आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि अगर अपनी सीएसएस अप्लाई करनी है तो उसका क्या तरीकाकार होता है। सीएसएस अप्लाई करने के लिए हम नोटपैड ओपन करेंगे और एक टेस्ट पेज अब क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक मैंने बेसिक लेक्चर 9 का एक पेज क्रिएट किया हुआ है बॉडी का टैग जिसके अंदर है। अब यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज होता है? पी टैग, ठीक है, पी टैग यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई सीएसएस, ठीक है, ये हम टेक्स्ट लिखते हैं। इस पेज को सेव करें, सेव करने के बाद अब हम क्रोम में इसको ओपन करें तो आपके पास ये पेज है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारे पास दोनों भी नज़र आते रहें। अभी तक देखें हमने कोई सीएसएस अप्लाई नहीं किया, अभी तक वही एचटीएमएल लिखे जो अभी हम पहले सीखते हैं। अब हम सीएसएस अप्लाई करते हैं। अभी हमने देखा सीएसएस की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप हैं सीएसएस की। हमारे पास सीएसएस की टाइप्स हैं जी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले हम इनलाइन को समझ सीखते हैं, ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास। तो अब हम इनलाइन पे आ जाते हैं। इनलाइन सीएसएस अगर आपने अप्लाई करनी है तो जो पैराग्राफ का टैग है इसी के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट ऐड करना है स्टाइल का। जब भी हम स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सीएसएस इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
स्टाइल इक्वल अब हम लिखते हैं यहाँ पर, ये कुछ पिछले पहले लेक्चर में हमने कुछ जगहों पे यूज़ किया, लेकिन आज हम इसको प्रॉपर सीख रहे हैं कि ये बेसिकली सीएसएस का पार्ट होता है। कलर इक्वल टू रेड और फिर सेमी कॉलन के बाद अब हम लिखते हैं फॉन्ट साइज कॉलन फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये जो हमने पैराग्राफ पी टैग के अंदर हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट डिफाइन किया है और इसके अंदर हमने कलर रेड फॉन्ट साइज 20 लिखा है, ये बेसिकली इनलाइन सीएसएस है जो कि हम इस पैराग्राफ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। अब आप इस पेज को सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें आपके पास पेज में जो पैराग्राफ है इसका कलर भी रेड हो गया, फॉन्ट साइज भी 20 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थी इनलाइन स्टाइल की। अगर आपने इनलाइन स्टाइल ऐड करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। अब हम एक और काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब आपने एक और पैराग्राफ ऐड करते हैं, पैराग्राफ टू। ठीक है, पैराग्राफ टू ऐड करें और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ। पेज को सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें। अब देखें सेकंड पैराग्राफ पे हमने कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पे एक सिंपल वही पैराग्राफ नज़र आ रहा है जो कि प्लेन एचटीएमएल में नज़र आता है। लेकिन अगर अब आप ये चाहते हैं कि अगर इस पेज के अंदर जितने ही पैराग्राफ हैं उन सब पे स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो एक तरीका तो यह है कि हम इसी कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करें। ये जो स्टाइल मैंने यहाँ पर लिखा था इसी को यहाँ से कॉपी करूँ कंट्रोल से और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ, पेज को सेव करूँ। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखें सेकंड पे भी ये स्टाइल अप्लाई हो गया। अब इस तरह रिज्यूम कर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ इस पेज के अंदर है, सब पे मैंने अप्लाई करना, तो मुझे यही इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और अगर मुझे इसको चेंज करना पड़ता तो चेंज करते वक्त क्या होगा, मुझे हर जगह पर जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इनलाइन सीएसएस में जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उस पैराग्राफ पर्टिकुलर टैग के अंदर अप्लाई करते हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ही जगह पर डिफाइन करूँ सीएसएस और वो तमाम पैराग्राफ के लिए हो, और अगर मुझे चेंज भी कल को करना पड़ता तो मैं एक ही जगह पे चेंज कर रहा हूँ, मैं हर जगह पे चेंज ना कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर हम इनलाइन सीएसएस नहीं यूज़ करेंगे। उसके लिए हम कौन सी सीएसएस यूज़ करेंगे, इंटरनल सीएसएस यूज़ करेंगे, जो सेकंड टाइप है इंटरनल सीएसएस। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जाना है हेड के सेक्शन में। ठीक है, हम हेड के सेक्शन में डिफाइन करेंगे सीएसएस को। उसका तरीका क्या है कि हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल के बाद लिखेंगे टाइप इक्वल डबल कोट्स डाल लेते हैं और टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश सीएसएस। ठीक है, अब हम ये बता रहे हैं कि भैया हम स्टाइल ऐड कर रहे हैं सीएसएस के लिए ऐड कर रहे हैं, और आपने स्टाइल के टैग को क्लोज भी कर लिया। ठीक है, ये हमने ओपन किया, क्लोज कर लिया। अब हम इस स्टाइल के टैग के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि भी पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ के लिए अब पी यूज़ होता है, पी लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे। ठीक है, अब पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी स्टाइल है वो हम इसके अंदर डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, पी का मतलब पैराग्राफ, हेडिंग के लिए डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे पी की जगह एच वन लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या है, जैसे कलर डिफाइन करना है, हम कलर कॉलन रेड, ये हम सेमी कॉलन ऐड करेंगे, और फॉन्ट साइज लिखना डिफाइन करना था, फॉन्ट साइज कॉलन, कॉलम के बाद हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, हम फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, सेमी कॉलम, यहाँ पे आप पेज को सेव करें। सेव करने के बाद अच्छा एक चीज़ नोट करें, मैंने यहाँ पर तो स्टाइल ख़त्म कर दिया लेकिन यहाँ पे स्टाइल ख़त्म नहीं किया, इसकी क्या वजह इसको भी हम समझते हैं। अब आप पेज को रिफ्रेश करें। ठीक है, अब देखें जो सेकेंड पैराग्राफ पे था सच का, आप एक और करते हैं, इसका कलर भी हम ब्लू कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। रिफ्रेश करें। अब आप देखें जो फर्स्ट पैराग्राफ था उस पर तो रेड कलर ही आ रहा है क्योंकि मुझे मैंने इनलाइन सीएसएस डिफाइन की हुई थी, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है उसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई जो कि मैंने इंटरनल सीएसएस में यहाँ पे डिफाइन की थी। इसका क्या मतलब है कि अगर तो इनलाइन सीएसएस डिफाइन हुई होगी तो हमेशा वही सीएसएस लगेगी, चाहे आप इंटरनल भी डिफाइन की हो, इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने इंटरनल डिफाइन नहीं की हुई, जैसे हमने इस पैराग्राफ पे नहीं डिफाइन की थी, तो कौन सी लगेगी, इंटरनल यूज़ होगी। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसको इनलाइन को भी रिमूव कर देता हूँ।
अब मैंने इनलाइन को भी रिमूव कर दिया, तो दोनों पैराग्राफ पे कौन सी यूज हो रही है, जो कि आपने इंटरनल डिफाइन की थी, ठीक है। ये सेकंड टाइप थी इंटरनल। अब ज्यूम करें आपके वेब पेज में, वेबसाइट के अंदर ये तो एक पेज था, अब मल्टीपल पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं। अगर 10 पेजेस है तो इसका क्या मतलब है, आप ये जो स्टाइल है 10 पेजेस के अंदर ऐड करेंगे, और अगर चेंज करना है आप 10 जगह पे चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आप इंटरनल यूज करें तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, जो कि एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस की तरफ आ जाते हैं। आपने एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है कि एक अलग फाइल में डिफाइन कर रहे होते हैं सारे रूल्स को, ठीक है। अब हम एक्सटर्नल पे आ जाते हैं। एक्सटर्नल पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे जनाब, आपने एक्सटर्नल फाइल पे लिखना है वही जो आपने वहाँ पे लिखा था, हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये पैराग्राफ के लिए आपने यहाँ से कॉपी करना है कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है। अब फाइल को सेव करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी जो एक्सटेंशन होगी डॉट सी एस एस होगी, बस इस चीज़ का ख्याल रखना, डॉट एच टी एम एल नहीं होगी, क्योंकि सी एस एस फाइल है। और हम वहीं पे सेव करें जहाँ पे मेरे पास लेक्चर 9 का एच टी एम एल की फाइल पड़ी हुई है, यानी कि डेस्कटॉप। इसको नाम दे देता हूँ मैं माई स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। डॉट सी एस एस करेंगे तो सी एस एस के नाम की सेव हो जाएगी, ठीक है। ये आपने फाइल सेव, एक्सटर्नल फाइल सेव कर लिया। अब ये इसको हम एक्सटर्नल सी एस एस कह रहे हैं, क्योंकि फाइल हमारे पास एच टी एम एल पेज के अंदर नहीं, एक अलग से एक्सटर्नल फाइल पड़ी है। यहाँ से हम इस सेक्शन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास प्लेन एच टी एम एल पेज बन गया। अब सवाल ये कि अब जो हमने एक्सटर्नल सी एस एस डिफाइन की थी उसको यहाँ पर ऐड कैसे करना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी लिंक आर एल इक्वल डबल कोट्स में हम लिखेंगे स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, इसको ठीक कर लें। स्टाइल शीट टाइप लिखेंगे वही जो हमने पहले डिफाइन की थी, टेक्स्ट फॉर स्लैश सी एस एस, और एच रेफ में लिखेंगे हम, अब हम फाइल का नाम लिखेंगे जो कि फाइल का नाम था, फाइल का नाम क्या था, माई एस टी माई स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। ये आपने डिफाइन कर लिया यहाँ। अब यहाँ पे सेव करें, अच्छा तो यहाँ पे कलर ब्लू की जगह हम कर देते हैं, फर्स्ट करें येलो कर देते हैं, सेव करें। आप देखें इस पेज के अंदर कहीं पे भी आपने सी एस एस डिफाइन नहीं किया, आपने एक अलग फाइल में सी एस एस डिफाइन किया है और यहाँ पे उस फाइल को लिंक के थ्रू ऐड कर दिया। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखें अब आपके पास इस पेज के अंदर येलो कलर का पैराग्राफ नज़र आ रहा है। अब हम एक हेडिंग भी ऐड करते हैं, हेडिंग ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे H1 का टैग, H1 का टैग यूज़ करेंगे, और H1 के टैग के अंदर हम लिखेंगे हेडिंग। ये देखिए हमने H1 का टैग ऐड किया, और हम लिख रहे हैं फर्स्ट लाइन दिस इज माय हेडिंग एंड आई एम अप्लाइंग सीएसएस, ठीक है। ये हमने हेडिंग डिफाइन की, हेडिंग डिफाइन करने के बाद पेज को सेव करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखें अभी आपने हेडिंग वाइज प्लेन नज़र आ रही है, क्योंकि हमने इस पर कोई भी सी एस एस अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब हम इसके लिए भी डिफाइन करते हैं H1, यहाँ पे लिखते हैं H1 कर्ली ब्रेसिस लिखें, यहाँ पे ऐड करें, और उसके बाद यहाँ पे हम इसका डिफाइन करते हैं कलर, ठीक है। फर्स्ट में आपने हेडिंग को कलर डिफाइन करना है, कलर कोलन ग्रीन, ठीक है। आपने ग्रीन ऐड किया और सेमी कोलन, फिर सेव करें। सेव करने के बाद अब आप पेज को रिफ्रेश करें तो अब आपके पास हेडिंग कौन सी आ रही है, देखिए ग्रीन कलर की होगी। इसका मतलब जितने भी टैग्स हैं अगर आपने उनके लिए सी एस एस डिफाइन करनी है आप अलग अलग से डिफाइन करेंगे। हेडिंग H1 के लिए करनी है तो यहाँ पे आप H1 लिखेंगे, पैराग्राफ के लिए करनी है तो पैराग्राफ लिखेंगे। तो इस तरीके से एक्सटर्नल फाइल डिफाइन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल सी एस एस भी सीख लिया है, इंटरनल सी एस एस भी सीख लिया है, और इनलाइन सी एस एस भी सीख लिया। अब आपने इसकी खुद घर बैठ कर प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को अप्लाई करने की कोशिश करनी है।